बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर अब एक अभिनेता के घर पर रेड मारी गई है। कौन है ये अभिनेता, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पिछले काफी समय से बहुत ही ज्यादा तेज गति से एक्शन ले रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अब अर्जुन रामपाल के घर जो है एनसीबी ने रेड मारी है। रामपाल के मुंबई के बैंड्रा स्थित घर पर ये रेड मारी गई है। आज सुबह अर्जुन रामपाल के घर पर रेड मारी गई, तो आज तक की खबर के अनुसार 4 एनसीबी के अफसर जो है अर्जुन रामपाल के घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है, उन्हें सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से और इसीलिए उनके घर पर ये रेड मारी जा रही है। कुछ दिनों पहले आप सभी जानते हैं कि किस तरह अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई जो है अगिसलोस, उसको गिरफ्तार किया, जमानत मिली, फिर से एक ड्रग पेडलर ने उसका नाम लिया तो उसकी फिर से गिरफ्तारी हुई। एगिसलोस के पास से हशीश और कुछ टैबलेट्स बरामद की गई थी, कुछ ऐसी टैबलेट्स जो एनसीबी में बैन है, एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन है। एगिसलोस का कनेक्शन जो है ओमेगा गॉडविन से बताया जा रहा है और ओमेगा ड्रग्स की सप्लाई करता था, कोकीन की सप्लाई करता था और इसीलिए गिरफ्तार किया गया। ओमेगा ने जो बयान दिया उसी के बाद एगिसलोस का गिरफ्तारी की गई थी, इस बात की पुष्टि जो है समीर वानखेड़े ने की थी। वहीं फिरोज नडियादवाला के घर पर भी रेड मारी गई, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। फिरोज उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, उनको आज समन भेजा गया और थोड़ी देर पहले जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो अभी तक जो केस है, जो सुशांत और रिया का जो केस है, जो ये ड्रग केस बनाया है, उसके अंडर जो है अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी कर चुकी है और अब अर्जुन रामपाल के घर जो है रेड मारी जा रही है। इसको लेकर अगर कोई और भी अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।